दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अनिल चौधरी और अनिल भारद्वाज समेत पूर्व एमपी अजय कुमार ने दिल्ली के जनपद स्थित चंद्रलोक बिल्डिंग पहुंचे, जहां पर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शिकायत नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एंड सीपीआरसीआर से करी। अजय कुमार ने आरोप लगाते हुए कहा कि एनसीपीसीआरसी एक सरकारी संस्था है, मगर ये नरेंद्र मोदी की पार्टी का हिस्सा बनती जा रही है, तो इसे एक पार्टी ही घोषित कर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बच्चों की मानसिकता का भी राजनीतिकरण किया है। उन्होंने कहा कि यदि 3 दिनों में एनसीपीसीआरसी प्रधानमंत्री मोदी पर कोई नोटिस जारी नहीं करता है तो हम ईसीआई को भी इसकी शिकायत करेंगे। इसी के साथ प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आरोप डालते हुए कहा कि छोटी बच्ची को भी भाजपा का पटका पहना कर जबरदस्ती वोट की बात करते हैं, जो कि बच्चों की मानसिकता पर बुरा प्रभाव डालता है। बीजेपी गॉट नो शेम एंड आवर नॉट एक्यूजेशन But I definitely would see how the election, the National Commission for the Protection of Child Rights behave, because here is the Prime Minister of this country, right now BJP Karyakarta in Gujarat, asking a child to vote, and you know the video, you have seen it. It's a clear violation. There is no debate. They must serve a notice to the Prime Minister, and they must serve a notice to the Bharatiya Janata Party. And if they don't serve the notice, That means it's a political organization. ये भी संस्था जो इसकी भी राजनीतिकरण हो गई है, फिर कमीशन क्यों बोलते हैं इसको, एक पार्टी का हिस्सा बना दो। अगर नोटिस नहीं देंगे, नोटिस देंगे तो फिर हम जो है उससे संतुष्ट हो जाएंगे, लेकिन नोटिस अगर अगले 3-4 दिन में नहीं अगर नहीं जारी करते हैं, इसका मतलब है कि ये एक राजनीतिक संस्थान है, बच्चे को के हक को सुरक्षित करने से इनको कोई मतलब नहीं है। ये मैं एक चिट्ठी आपको दिखा रहा हूँ, ये प्रियंक कानूगो साहब की चिट्ठी है, जो चेयरमैन हैं, इन्होंने ये चिट्ठी दी थी इलेक्शन आयोग को, और इसमें कहा गया था कि राहुल गांधी जी ज्वारवाल मंच के जो बच्चे थे, एक संस्था है, उनके साथ मिले हैं और इन्होंने बच्चों का राजनीतिकरण किया है और इनके मानसिक स्थिति पर जो है असर डाला है। जबकि राहुल गांधी जी देश को जोड़ने निकले हैं, कन्याकुमारी से कश्मीर जा रहे हैं, 4,000 किलोमीटर की लगभग यात्रा कर रहे हैं। अफसोस इस बात का है कि इस मुल्क में इन संस्थाओं का दुरुपयोग हो रहा है। राहुल जी देश जोड़ने के लिए जा रहे हैं, बच्चों से मिल रहे हैं, बुजुर्ग से मिल रहे हैं, जवान से मिल रहे हैं, किसान से मिल रहे हैं, अपाहिज हो, विकलांग हो, बुजुर्ग हो, सबसे मिल रहे हैं, गले लगा रहे हैं, और जो मकसद है इस देश को एकजुट करना है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि कल देश के प्रधानमंत्री जो भाजपा के नेता हैं नरेंद्र मोदी साहब गुजरात में जाते हैं, गुजरात में जाकर के वो एक बच्ची के गले में पटका डाल के उनसे वोट मांगने की अपील कराते हैं, ट्वीट करते हैं, और ट्वीट के बाद वो पूरा तमाम वीडियो में चलता है। तो आज मैं वही एक शिकायत पत्र एनसीपीसीआर में देने आया हूं, और मैंने दी है ये शिकायत नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ दी है, और ये याद दिलाते हुए दिए है कि इन्होंने 12 सितंबर को एक यहां कंप्लेंट मिलती है, 13 सितंबर को एनसीपीसीआर में चुनाव आयोग को एक पत्र जाता है, और उसमें कहा जाता है कि राहुल गांधी जी बच्चों के मानसिक स्थिति पर प्रभाव डाल रहे हैं। तो आज ये उन्हीं को मैं याद दिलाने आया हूँ कि कल प्रधानमंत्री जी सीधे तौर पर गुजरात में चुनाव प्रचार के दौरान सुरेंद्रनगर में एक बच्चे से भाजपा के पक्ष में वोट मांग रहे हैं, तो क्या आज ये बच्चों का राजनीतिकरण नहीं हो रहा है? क्या राजनीति से सीधे तौर पर नहीं जोड़ा जा रहा है? और मेरा सवाल ये भी है कि आज इस बच्ची के मानसिक स्थिति पे क्या दबाव नहीं डलेगा, क्या कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा? वही कंप्लेंट में लेकर के आए, और मुझे उम्मीद है चेयरमैन साहब निष्पक्षता के साथ नरेंद्र मोदी जी को नोटिस देंगे, इस पे जवाब मांगेंगे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने और राहुल गांधी जी ने जवाब दिया था, और इस मुल्क को ये अधिकार है कि क्या नरेंद्र मोदी जी और भाजपा इस पे जवाब देती है।